हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सुजान सिंह, स्वागत है आपको अलशान व्लॉग्स में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको विज़िट कराने वाला हूं टनल नंबर 5 बक्कल। और ये टनल जो है ये रियासी ग्राम मोड़ से निकल के बक्कल में पहुंचता, और आज मैं वहीं का आपको विज़िट कराने वाला हूं। और आगे वीडियो में सारी डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूं। वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं आगे का वीडियो शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंचे हैं वो है बक्कल। और बक्कल कहाँ पे पता है? ये रियासी डिस्ट्रिक्ट का सबसे लास्ट कोना जो कुरी है, जहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है, वहाँ उसी के साथ वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज से कम भी 4 या 5 किलोमीटर पीछे पड़ता है, वो जगह का नाम है बक्कल। और मैं आज आपको विज़िट कराने वाला हूँ T5 टनल कहाँ पर ग्राम मोड़ से जब निकल के पहुँचते हो आप, तो कहाँ पर निकलोगे आके? तो ये है बक्कल, और बक्कल में ही आप निकलोगे। 6.5 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, और इसी टनल की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और सारे व्यूज़ मैं आपको थोड़े थोड़े दिखाने की कोशिश करूँगा, और बाहर भी आपको दिखाऊँगा चारों साइड के व्यूज़ की। आखिरकार ये है मेन टनल नंबर 5, पोर्टल नंबर 2। और यहाँ पे आप जब निकलोगे, यहाँ पर इस टनल के रास्ते जब आप ग्राम और रियासी से चलोगे, तो 6.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद आप इस जगह पर निकलोगे। इस बक्कल जगह है इसका, और यहाँ पे आप निकलोगे। अगर काम की बात की जाए तो काम अभी भी यहाँ पे लाइट व्हीकल जा सकती है। अगर कंपनी का कोई आदमी या आपके पास जाना चाहे तो जा सकता है। टनल बिल्कुल कंप्लीट की हालत में है, 1 या 1.5-2 महीने में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, और पूरा अपडेट हो चुका है। बेडिंग पूरी है, पटरी का काम बचा है, और पटरी धीरे धीरे करके ये काम सारा अपडेट हो रहा है। और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, मैं आपको बता दूँ। बहुत अच्छी खबर, जिनको मैं आज सुबह में मॉर्निंग में निकला था, और मैंने आपको ग्राम मोड़ से ही उसका दिखाया, और अभी मैं बक्कल में खड़ा हूँ। ग्राम मोड़ और बक्कल अगर बाई रूट आओगे आपको, तो कम से कम भी 25 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। और 30 किलोमीटर आप जब रेलवे बनेंगे तो कुछ चंद मिनटों में आप उसको कवर कर लोगे। तो ये आपने हालत देख ली कि आखिरकार कैसा अपडेट है, और क्या सारी चीज़ें ये देख सकते हैं आप। टनल बिल्कुल बन के रेडी है, और अगर बचा है तो वो बचा है पटरी का काम इस साइड से बक्कल में। तो मेरा दिखाने का आपको मकसद ये था कि बक्कल है कहाँ, और जब आप ग्राम और रियासी से जब इस टनल ट्रैवल करोगे इस टनल के रास्ते, तो आपको कहाँ पे निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो शूट करना चाहा कि आखिरकार ये बक्कल कहाँ पर पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। बक्कल जो है लास्ट कुरी वाला एरिया, जहाँ वर्ल्ड हाइएस्ट ब्रिज है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, जहाँ वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है चनाब के ऊपर, उससे ठीक कम से कम 5 या 6 किलोमीटर बैक पीछे पड़ता है, और उसको होके ही पीछे जाना पड़ता है। तो मैं इसी बक्कल को लेके आज आया था कि आखिरकार अगर ग्राम मोड़ से 6.5 किलोमीटर टनल निकलेगा तो वो पहुँचेगा कहाँ, और पहुँचने के बाद आपको आगे कैसे व्यूज़ दिखने वाले हैं। और जब आप ट्रेन से इस टनल से गुजरोगे, टनल नंबर 5 से, तो कैसा आपको दिखेगा। तो ये व्यूज़ मैं आपको सामने से बिल्कुल पूरे शेयर कर देता हूँ आपके साथ। यहाँ पे जो काम है वो चल रहे हैं अभी, और यहाँ से छोटे वगैरह जो आगे जो हल्के काम हो रहे हैं अभी, और धीरे धीरे करके ये ट्रैक आगे वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। अगर इलाके की बात की जाए, अगर एरिया की बात की जाए, तो काफ़ी पहाड़ी एरिया है, और आप चारों साइड में व्यूज़ आपको कंटिन्यू करा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, और इसी रास्ते पे आगे निकल के आप वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज के लिए सफ़र करोगे। और इस सफ़र को कंटिन्यू करने के बाद आप आगे आप रामबन संगलदान रेलवे स्टेशन या बनिहाल के लिए आगे कंटिन्यू कर पाओगे। तो ये थे कुछ टनल नंबर 5 बक्कल के व्यू जो मैंने आपको दिखाया, और सारी मैंने अपडेट आपके साथ शेयर की कि आखिरकार काम कैसे चल रहे हैं और कैसे
होने वाले हैं। तो ये काम प्रोग्रेस में है। यहाँ पे दो तीन कंपनियाँ जो साथ में एलएनटी है, मैक्स है और एक और कंपनी है जो किसी के पास कौन सा टेंडर है किसी के पास, तो सारे एलएनटी के पास इलेक्ट्रिकल का है, मैक्स के पास कुछ रेलवे स्टेशन या कुछ पुल जो छोटे छोटे बन रहे हैं ब्रिज उनका है, तो ये सारी कंपनियाँ मिक्स काम कर रही हैं यहाँ पे। तो ये थे कुछ व्यूज़ बक्कल के जो मैंने आपके साथ शेयर किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्यूज़ ज़रूर पसंद आएंगे। टनल नंबर 5 है, इसके साथ टनल नंबर 5 का स्केप भी है और स्केप का भी मैं थोड़ा सा आपको विजिट करा देता हूँ। एक्चुअली स्केप जो टनल है वो मेंटेनेंस के लिए होता है, जब भी कोई दिक्कत होती है अंदर टनल के अंदर तो बीच में साथ में स्केप टनल दिया जाता है और उसके थ्रू आप जाके अंदर टेक्निकल फॉल्ट या जो इशू होते हैं वो सारी अपडेट कर सकते हो। तो आने वाले टाइम में ज़रूर ये जो है ये टनल नंबर 5 से भी अपडेट होता है और टनल नंबर जो ग्राम मोड़ से लेके उधर से निकलता है स्केप टनल भी साथ में ही और ये भी बक्कल तक की पहुँचा है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ भी शेयर करना ज़रूरी था क्योंकि जब भी टनल में कोई भी अपडेट हो करना होता है या कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है तो इसी स्केप टनल के रास्ते जाते हैं और मैकेनिक या जो भी टेक्निकल होते हैं वो जाने के बाद उस फॉल्ट को ठीक करके आते हैं और ट्रैफिक जो है चाहे रेल का मूवमेंट है जो वो कंटिन्यू होता है। तो ये थे स्केप टनल के अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर किए और आप देख रहे होंगे स्केप भी अच्छा है, लाइटिंग वगैरह सारा अपडेट हो चुका है।